माननीय सदस्यगण सभी का नमस्कार। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियाँ जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबोला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहेब जादव की याद में बीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई।
ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पारा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारत दुनिया से सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना। भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। पिछले साल ही मेरी सरकार ने मिशन मोड में लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी दी है। माननीय सदस्यगण, बीते 12 महीने में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आए। ये विधेयक आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं। ये ऐसे कानून है जो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का मजबूत आधार है। तीन दशक बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। इससे लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये वुमेन लीड डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है। गुलामी के कालखंड में प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। आप दंड को नहीं अपितु न्याय को प्राथमिकता है। न्याय सर्वोपरि के सिद्धांतों पर नई न्याय संहिता देश को मिली है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहां भी जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया। इससे तेलंगाना में सरोक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने का सरास्ता सुगम हुआ। पिछले वर्ष सीएसटर अन्य ब्यूरो पुराने कानून को भी हटाया गया है। मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है। इसीलिए ऐसे गलत तरीके को सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। माननीय सदस्यगण, कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पुराने चुनौतियों का पूरा परास्त करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। Thank you.
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने वन रेक वन पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार चारों दशकों से था। ओआरओपी लागू होने के बाद अब तो पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। माननीय सदस्यगण, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की अमर पंक्तियाँ असीम राष्ट्रप्रेम की भावना का सदा संचार करती है। उन्होंने कहा था, मिशो मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जान तु पिठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ो, उरु तो ही गोड़ी मोर मांस हाड़ो, अर्थात मेरा शरीर इस देह की माटी के साथ मिल जाए, देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चल जाए। देश के स्वराज पथ में जितनी भी खाइयां है, वे मेरी हार्ड मांग से फट जाए। इन पंक्तियों में हमें कर्तव्यों की पराकाष्ठा दिखती है, राष्ट्र सर्वोपरि का आदर्श दिखाई देता है। ये उपलब्धियां जो आज देख रही है, वो बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। आप हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें, तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होते देखा। भारत का निर्यात करीब 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में एफडीआई द्विगुना हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आईटीआर फाइल करने वाले की संख्या करीब 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो चुकी है, और बढ़ोतरी 2 गुना से भी कहीं अधिक है। 1 दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे, जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए। साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी, पिछले वर्ष ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके। दिसंबर 2017 में 98 लाख से लोग जीएसटी देते थे, आज इनकी संख्या 1,40,00,000 है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13,52,00,000 बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। 2014-15 में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। माननीय सदस्यगण,
बीते दशक में मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड मिला है। देश को जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। मेरी सरकार ने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी सुनिश्चित की है। 10 वर्षों में कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही फिजिकल डेफिसिट भी नियंत्रण भी में है। आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 600 अरब डॉलर से ज्यादा है। हमारे बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराया था, वो आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है। बैंक का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था, वो आज लगभग 4% ही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले भारत खिलौना आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है। लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की है। स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने युवा स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करती है तथा भारत के प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर विश्वास करती है। भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। जोन विश्वास अधिनियम द्वारा 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। अदालत के बाहर विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु मध्यस्थता पर कानून बनाया गया है। वन और पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे, वहां आज 75 दिन से भी कम समय लगता है। फेसलेस असेसमेंट योजना से टैक्स व्यवस्था में और पारदर्शिता आई है। माननीय सदस्यगण, हमारे एमएसएमई सेक्टर को भी रिफॉर्म्स का बहुत अधिक लाभ हो रहा है। आप अवगत है कि हमारे एमएसएमईज में आज करोड़ों देशवासी काम कर रहे हैं। एमएसएमईज और लघु उद्यमियों को
सशक्त करने के लिए मेरी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। एमएसएमई की परिभाषा का विस्तार किया गया है, नई परिभाषा में निवेश और टर्नओवर को समाहित किया गया है। आज उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर लगभग 3.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है। बीते वर्षों में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत करीब 5 लाख करोड़ की गारंटी स्वीकृति की गई है। ये 2014 से पहले के दशक से 6 गुना अधिक है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस दोनों को बहुत आसान बना दिया है। आज पूरी दुनिया मानती है कि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकसित देशों में भी भारत ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं है। गाँव में भी सामान्य खरीद बिक्री डिजिटल तरीके से होगी, ये कुछ लोगों की कल्पना से भी परे था। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपया का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। दुनिया के दूसरे देश भी आज यूपीआई से ट्रांजैक्शन की सुविधा दे रही है। डिजिटल इंडिया के कारण बैंकिंग आसान हुई है और लेन देन भी सरल हुआ है। जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगने में मदद मिली है। मेरी सरकार अब तक 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी से ट्रांसफर कर चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं। इससे 3.25 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचे हैं। डिजी लॉकर की सुविधा भी जीवन को आसान बना रही है। इसमें अभी तक यूजर्स के 6 बिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी हुई है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है।